रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कपिल के ऑफिस जाने के बाद दिव्या अपने घर की साफ सफाई और कपड़े धोने आदि घरेलू कामों में व्यस्त हो जाती और इस तरह कपिल के आने तक वो घर के सारे काम निपटा लेती। एक दिन कपिल के ऑफिस जाने के बाद दिव्या को कपड़े धोते समय कपिल की शर्ट में एक बड़ा सा बाल दिखता है। हे भगवान, इतना लंबा बाल, इनका तो हो नहीं सकता। पता नहीं किस कलमूही के साथ गुलछर्रे उड़ाते फिर रहे हैं ये। आने दो, आज अच्छे से खबर लूंगी इनकी मैं। शाम को जैसे ही कपिल ऑफिस से घर आता है तो वो दिव्या को दरवाजे पर खड़ा देखता है। ओ हाय स्वीटहार्ट, क्या बात है, आज तो गेट पर ही मेरा इंतजार कर रही हो, समथिंग स्पेशल? हाँ हाँ, ज्यादा मिट्ठू मियां बनने की जरूरत नहीं है। और मुझे जल्दी से बताओ कि ये इतना लंबा बाल किस कलमूही का है। अरे मुझे क्या मालूम, तुम्हारा ही होगा बेबी। आप झूठ बोल रहे हो, मैं सब जानती हूँ। पता नहीं कौन है वो मनुष्य जिसने मेरे घर संसार में आग लगा दी। क्या दिव्या, तुम बिना जरा सी बात का बतंगड़ बना रही हो। इधर उधर की बातें बनाना ना बंद कर दो और मुझे जल्दी से बता दो कि ये बाल किस चुड़ैल का है। ये बाल तुम्हारी बहन का है, याद नहीं जब हम वीकेंड पे डिनर के लिए जा रहे थे तो तुम्हारी उस बेवकूफ सी बहन ने अपने पति के शर्ट पर पानी गिरा दिया था और तुम्हारे उस जीजा जी ने मेरी शर्ट पहन ली थी। कपिल की ये बात सुनकर दिव्या चुप हो जाती है मगर हार नहीं मानती और कहती है, हाँ मगर ये भी तो हो सकता है ना कि किसी चुड़ैल का बाल पहले ही तुम्हारी शर्ट पर हो। क्या तुम्हें याद नहीं क्या, तुम्हारी उस चुड़ैल बहन ने नशे में क्या क्या नाटक करवाए थे। तुमने मेरी बहन को चुड़ैल कहा? मैंने नहीं, देखो अब तुमने खुद अपनी बहन को चुड़ैल कहा। अरे तुम्हारी बहन कौन सा दूध की धुली है, जब भी यहाँ आती है कोई ना कोई महंगा सामान उठा कर ले जाती है। तो क्या हुआ, सब कुछ मेरा कमाया हुआ तो है। अरे आपकी कोई कमाई वमाई नहीं है, मैं दहेज में जो इतना सारा सामान लेकर आई थी ना वो है, इतनी तो तुम्हारी सैलरी भी नहीं है। ऐसे ही एक दिन दिव्या बाजार में सब्जी लेने जाती है, तभी वो देखती है कि कपिल किसी और औरत के साथ में बैठकर गाड़ी से कहीं जा रहा होता है। दिव्या अपने मोबाइल में उनका फोटो खींच लेती है और शाम को जैसे ही कपिल घर आता है, आखिर क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में, मुझे ना अच्छे से पता है कि तुम्हारा किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। हे भगवान, ये औरत सांस भी नहीं लेने देती, क्या बकवास किए जा रही हो। वारे वाह, चोरी ऊपर से सीना जोरी, आज मैंने खुद अपनी आँखों से तुम्हें एक औरत के साथ गाड़ी में जाते देखा था, ये देखो सबूत। इतना कहकर दिव्या अपने मोबाइल में कपिल को वो तस्वीर दिखाती है। अरे बेवकूफ औरत, ये मेरी बॉस है और हमारी एक अर्जेंट मीटिंग थी इसलिए वो मेरे साथ आ गई। दिव्या खामोश हो जाती है मगर उसे अभी भी तसल्ली नहीं होती। दूसरे दिन सुबह, देखो दिव्या आज शाम को कोई नया झगड़ा मत करना प्लीज, क्योंकि आज तुम्हारा बर्थडे है यार, हम शाम को घूमने चलेंगे और फिर डिनर भी बाहर करके आएंगे। दिव्या खुश हो जाती है और शाम को सज सवर कर कपिल का इंतजार करने लगती है। शाम से रात हो जाती है मगर कपिल नहीं आता। रात के 10 बजे जब कपिल आता है, अरे सॉरी, वो ऑफिस में इतना काम आ गया था कि मुझे छुट्टी नहीं मिली। बहाने बनाना तो ना कोई तुमसे सीखे, मुझे ना अच्छे से पता है तुम जरूर किसी लड़की के साथ घूमने गए होगे। अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। इतना कहकर कपिल दिव्या को एक बहुत ही सुंदर सी डायमंड रिंग दिखाता है। अंगूठी देखकर दिव्या खुश हो जाती है। दूसरे दिन कपिल के ऑफिस जाने के बाद दिव्या कपड़े धोने लगती है, तभी उसे कपिल के शर्ट से म्यूजिक कॉन्सर्ट के 2 पास मिलते हैं। अच्छा तो ये बात है, मुझे काम का बहाना बताकर बाहर मजे लूट रहे हैं पति देव। मेरा शक बिल्कुल सही निकला, इनका चक्कर ना उसी चुड़ैल के साथ चल रहा है। शाम को जब कपिल घर आता है तब दिव्या उसे टिकट दिखाते हुए कहती है, अच्छा तो ये तुम्हारा इम्पोर्टेंट काम था, देखो। अरे दिव्या मेरा यकीन मानो, ये पास मैंने हमारे लिए ही खरीदे थे। हाँ मैं अच्छे से जानती हूँ तुम्हें,
अरे अगर तुम्हें मैं पसंद ही नहीं थी तो मुझसे शादी क्यों की हे भगवान। अरे तुम छोटी सी बात को कहां से कहां ले जाती हो यार। हाय ये बात तुम्हारे लिए छोटी होगी पर मेरे लिए नहीं। हे भगवान मैं तो लुट गई, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अरे जिंदगी तो मेरी बर्बाद हुई है, हर रोज जैसे ही घर में पैर रखता हूँ तुम्हारा झगड़ा चालू हो जाता है। इतना कहकर कपिल अपने कमरे में चला जाता है। नहीं मुझे अब ऐसे चरित्रहीन इंसान के साथ नहीं रहना, बिल्कुल भी नहीं रहना। दिव्या अपने एक दोस्त के पास जाती है जो पेशे से एक वकील होता है। अरे दिव्या तुम बैठो यहाँ, कैसे आना हुआ? मुझे मेरे पति से डिवोर्स चाहिए। मगर दिव्या तुम्हारा पति तो एक अच्छा इंसान है, फिर क्यों? तुम्हें पता है उनका अपने बॉस के साथ अफेयर चल रहा है और मैं ऐसे बेवफा इंसान के साथ बिल्कुल नहीं रह सकती। मगर दिव्या तुम्हें पहले डिवोर्स केस फाइल करना पड़ेगा। वकील और दिव्या दोनों ही पुलिस स्टेशन जाते हैं। वहाँ पुलिस अफसर दूसरे पुलिस वालों को लाय डिटेक्टर मशीन के बारे में समझा रहा होता है, तो वो दोनों देखते हैं कि वो उनका ही दोस्त होता है। अरे आओ आओ, आज तुम दोनों एक साथ कैसे, कहो कैसे आना हुआ? मुझे मेरे पति से डिवोर्स चाहिए। देखो दिव्या कई बार गुस्से में आकर लिया हुआ फैसला हमारे लिए गलत साबित हो सकता है। हाँ दिव्या तुम्हें अपने पति को एक मौका जरूर देना चाहिए। ठीक है क्यों ना हम कपिल का लाई डिटेक्टर टेस्ट ले लें, फिर सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या दिव्या अब इंसानों के रिश्ते का फैसला एक मशीन करेगी? फिर भी दिव्या जिद करके वो मशीन अपने साथ घर ले जाती है। शाम को जब कपिल ऑफिस से घर आता है दिव्या कपिल को बिठाकर उसके दोनों हाथों में मशीन की क्लिप लगा देती है। ये क्या पागलपन है? मैं तुमसे जो भी सवाल करूंगी उसका सच सच जवाब देना पड़ेगा वरना ये मशीन तुम्हारा झूठ पकड़ लेगी आज। हे भगवान इस औरत को मेरे ही पल्ले बांधना था क्या? अच्छा ठीक है अगर तुम्हें इससे तसल्ली होती है ना तो यही सही। क्या तुम्हारा किसी के साथ अफेयर चल रहा है? नहीं। और मशीन में हरी लाइट जलती है। क्या उस दिन गाड़ी में अपनी बॉस के साथ तुम मीटिंग के लिए जा रहे थे? हाँ। मशीन में फिर से हरी लाइट जलती है। तुम्हारी जेब से जो टिकट निकले थे वो हमारे लिए नहीं थे? हाँ। मशीन में फिर से हरी लाइट जलती है। आखिरी सवाल क्या तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो? हाँ दिव्या मेरी जिंदगी में कोई नहीं है ना ही तुम्हारे सिवा कोई आएगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे आगे, बहुत प्यार करता हूँ मैं तुम्हें। और मशीन में फिर से हरी लाइट जलती है जिसे देखकर दिव्या की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं और वो अपने पति से इस बात की माफ़ी मांगती है। मुझे माफ कर दीजिए कपिल जी, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, अब से मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी, सच्ची। उस दिन के बाद से दिव्या कभी भी अपने पति पर शक नहीं करती और दोनों मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।